फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग। और आप लोग देख रहे हैं वर्डप्रेस की सबसे एडवांस सीरीज। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा किस तरह फ्री में डोमेन होस्टिंग लिया जा सकता है, उसके बाद में आप अपने कंप्यूटर को खुद ही लोकल में होस्टिंग एक सर्वर में फॉर्म कर सकते हो और वहाँ पे भी वर्डप्रेस की वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। और साथ में वर्डप्रेस के ऊपर में पेजेस या पोस्ट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी देख चुके हैं। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दो इंपॉर्टेंट टैब्स जो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर में अवेलेबल है वो समझने की कोशिश करते हैं। और उसमें से एक टैब है सेटिंग और दूसरा है यूज़र। दोस्तों, सेटिंग में आप जाकर कई सारे फीचर्स को अनेबल कर सकते हैं ताकि आप वर्डप्रेस के ऊपर में वेबसाइट अच्छी तरह से डेवलप कर पाओ, और यूज़र में आप किसी और को भी आपके वेबसाइट का एक्सेस दे सकते हो ताकि वो आपकी वेबसाइट को मैनेज कर सके और उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप फाइनल कर सकते हो यूज़र को यूज़ करके। दोस्तों, दोनों टैब समझते हैं इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लोगों को या आपको भी पता चले कि वर्डप्रेस की सीरीज शुरू हो चुकी है, नोटिफिकेशन बेल इन एडवांस आपको मिलते रहे। तो जाइए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। आ चुके हैं डैशबोर्ड के ऊपर में और डैशबोर्ड के ऊपर ये टैब्स अवेलेबल है और इन टैब्स में से एक यूज़र है और दूसरा है सेटिंग्स। इन दो टैब्स के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूज़र्स में, और यूज़र्स के ऊपर जैसे क्लिक कर देता हूँ मैं तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड न्यू, और उसके अलावा मेरी यूज़र के इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं एज अ यूज़र जो मैंने लोकल होस्टिंग क्रिएट करते वक्त, लास्ट वीडियो में आप देख कर समझ सकते हो कि लोकल होस्टिंग क्रिएट करते वक्त जो यूज़र आईडी मैंने लिखा हुआ था वही यूज़र आईडी यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी मैंने वहाँ पर इंसर्ट किया था वही ईमेल आईडी यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद में मेरा रोल जो है मेन रोल है एडमिनिस्ट्रेटर का, सो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ये मेरा रोल डिफाइन हो रहा है। और अभी तक मैंने एक पोस्ट क्रिएट की है तो यहाँ पर सिंगल पोस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, आपको मल्टीपल यूज़र्स को ऐड करना है तो उसके लिए आपको ऐड न्यू करना है। तो यूज़र वही होगा जो आपकी वेबसाइट को मैनेज कर सकता है, उसको आपकी वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, वो शायद आपके साथ रिपोर्ट करता हो, आपके कुछ ब्लॉग को पोस्ट करने का काम दे रहे हो आप। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास में वेबसाइट मैनेज करने के लिए टाइम नहीं है तो आप किसी और यूज़र को भी एक्सेस दे सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूज़र नेम डालना होगा, जिस यूज़र नेम को आप चाहते हो या जिसके लिए आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसका नेम डालोगे यहाँ पर। उसके बाद में ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, और उसके बाद में पासवर्ड। दोस्तों, ये पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आता है यहाँ पे, आप इसको डिलीट करके आप अपना पासवर्ड भी डाल सकते हो या फिर आप इसी पासवर्ड को यूज़ करके कॉपी करके उसको भेज सकते हो जो भी यूज़र बनेगा यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर रोल, और रोल में आप देख पा रहे हो सब्सक्राइबर, कॉन्ट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे एडमिनिस्ट्रेटर का रोल जो है वो हमारा है, लेकिन इसके अलावा आप अगर एडिटर का ऑप्शन देना चाहते हो आपके यूज़र को तो आप एडिटर रख सकते हो। सिर्फ पोस्टिंग करना है, सिर्फ ऑथर बनाना है उसको, सिर्फ ब्लॉग लिख सकता है तो वो ऑथर का रोल कर सकता है। कॉन्ट्रीब्यूटर, अगेन कोई और आपकी वेबसाइट के ऊपर में ब्लॉग लिखना चाहता है, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए आपकी वेबसाइट पर आना चाहता है तो उसको आप कॉन्ट्रीब्यूटर के रोल पे असाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप ऐड न्यू यूज़र करोगे, इस ईमेल आईडी के ऊपर में वो मेल कंफर्मेशन के लिए जाएगा, उसको ओके करना है, उसके बाद में यूज़र नेम और इस पासवर्ड के थ्रू वर्डप्रेस का लॉगिन एक्सेस कर वो अपने ब्लॉग पोस्ट कर सकता है। सो दोस्तों, इसके बाद में है सेटिंग्स में ऑप्शन में अगर आ जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले है माय साइट, आप अपनी साइट का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हो और जो मन चाहे वो आप अपनी साइट रख सकते हो। जो आपका मेन कीवर्ड है, शायद वो ब्लॉगिंग आपकी माइक्रो नीच से रिलेटेड हो किसी, तो उस माइक्रो नीच का आप कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। टैगलाइन लिख सकते हो जाके, वो आप जब भी आप ये वेबसाइट को फॉरवर्ड करोगे तो वो टैगलाइन दिखाई देगी और उस टैगलाइन के थ्रू कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, सो आप अपनी टैगलाइन यहाँ पे लिख सकते हो। दोस्तों, वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको और ये जैसे कि वैसे रखना। अगर इसमें चेंजेस करते हो तो आपकी वेबसाइट हैम्पर होने की चांसेस है या स्पैम होने की चांसेस है, तो बेटर है कि इसको हाथ न लगाएं, जो जैसा है उसको वैसे ही रखें। उसके बाद में है एडमिनिस्ट्रेटर, ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी आपने पहले लोकल होस्टिंग के वक्त में या फिर वेबसाइट के ऊपर में जब पेड होस्टिंग लेते हो तब जो ईमेल आईडी देते हो वही ईमेल आईडी यहाँ पर है और उसी को मेंटेन कीजिए। उसके बाद में है दोस्तों मेंबरशिप, दोस्तों एनीवन कैन रजिस्टर, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल है तो कोई भी रजिस्टर कर सकता है, तो आप इसके ऊपर में क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लिमिटेड लोग आपको पहले ईमेल के ऊपर में इन्फॉर्म करें उसके बाद ही रजिस्टर करें तो आप इसको ओपन रख सकते हो। जैसे कि आपकी नई साइट है तो आप इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद में उसका रोल,
जो भी रजिस्टर कर रहा है उसका रोल सब्सक्राइबर होना चाहिए, ताकि जब भी लोग ब्लॉग पढ़ेंगे तो मल्टीपल ब्लॉग्स या आने वाले ब्लॉग्स का जिनको इंतज़ार है, जो वेट करेंगे, वो सब्सक्राइबर कहलाएंगे, उनको नोटिफिकेशन जाना चाहिए वेल इन एडवांस। तो ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ पर सब्सक्राइबर को ऑप्शन देंगे, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर में ब्लॉग्स आकर रजिस्टर कर सकते हैं ब्लॉग्स पढ़ने के लिए। उसके बाद में दोस्तों साइट लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस भी लैंग्वेज में आप रखना चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश है। उसके बाद में टाइम जोन आप वैसे ही रखिए, और डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है दोस्तों, और इसको कर दीजिए सेव चेंजेस में कन्वर्ट। देन सेव चेंजेस के बाद में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है राइटिंग, राइटिंग में चलता है। राइटिंग में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसको वैसे ही रखें, और इसमें आप कोई चेंजेस ना करें। देन चलते हैं रीडिंग में। रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टैब है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर योर लेटेस्ट पोस्ट। तो दोस्तों वर्डप्रेस जब शुरुआत हुआ था इनिशियली, वो एक बेसिक माइंडसेट लेके शुरुआत हुआ था कि ब्लॉगिंग वेबसाइट जिनको इंटरेस्ट है वही लोग आकर यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग साइट का कंसेप्ट या थियरी वर्डप्रेस डेवलपमेंट के वक्त था, तो यहाँ पर इसलिए योर लेटेस्ट पोस्ट। तो ब्लॉग्स के ऊपर में जिस तरह से आप पोस्टिंग करते हो तो लेटेस्ट पोस्ट सबसे ऊपर में दिखाई देती है, तो इसलिए यहाँ पर योर लेटेस्ट पोस्ट का ऑप्शन टैब बाय डिफॉल्ट देता है। लेकिन अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप कस्टमाइज में जाओगे, यहाँ पर आपको होम पेज में 3 पेजेस हम लोगों ने क्रिएट किए थे, आपको याद होगा, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्रोडक्ट। अगर मैं चाहूँगा कि इसमें से दूसरा कोई पेज होम पेज में कन्वर्ट हो तो मुझे वो पेज सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर इस तरह से। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कोई और प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो होम पेज है वही रखना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों पोस्ट पेज, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि पोस्टिंग के लिए कौन सा पेज होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर होम पेज में रख रहे हो उसी को आप यहाँ पर पोस्टिंग में रखोगे, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे पोस्ट हो। और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10। तो दोस्तों जितने ब्लॉग्स आप पोस्ट करने वाले हो फ्रंट पेज के, होम पेज के ऊपर में 10 ब्लॉग दिखना चाहिए, या 7 ब्लॉग चाहते हो तो 7 ब्लॉग, जनरली 5 to 7 ब्लॉग का टैब यहाँ पे रखते हैं लोग, और उसके हिसाब से ब्लॉग्स लोगों को दिखना शुरू होते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर में। तो दोस्तों आप इसको भी सेव कर दीजिए। और उसके बाद में है डिस्कशन वाला टैब। डिस्कशन के टैब के ऊपर में यहाँ पर आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो दिख रहा है पोस्ट सेटिंग्स में उसको वैसे ही रखिए इसको। सो उसके बाद में है डिस्कशन फोरम, और डिस्कशन में आप इन टैब्स को वैसे ही रखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप चेंज मत कीजिए। और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं मीडिया। दोस्तों मीडिया में आने के बाद में यहाँ पर अगेन आप थंबनेल साइज़ जो है वो क्या रखना है आपको मीडिया में, हाइट उसकी क्या रखना है। दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट वही रखिए जो यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट रखा हुआ है, और ये मीडिया आपकी वेबसाइट के ऊपर में काम होती है, आपसे वेबसाइट के ऊपर में या आपका ब्लॉग के ऊपर में जो इमेजेस आती है उनके साइजेस के हिसाब से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो थंबनेल के साइज़ या मीडियम साइज़। तो इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट रखिए। और उसके बाद में है पर्मालिंक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्मालिंक मतलब वो होता है दोस्तों जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का एक कीवर्ड डालना चाहोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये वाला 5th ऑप्शन जो है पोस्ट नेम, आपका ब्लॉगिंग साइट, आपका URL आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद में माई साइट जो भी आपका है पेज का नेम आ जाएगा, और उसके बाद में आपका मेन कीवर्ड आ जाएगा। तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से सिलेक्ट करके इसको सेव कर दीजिए, और इस तरह से आपका सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये आपको हेल्प करेगा आने वाले समय में जब आप थीम इंस्टॉल करोगे, आप जब डेवलपमेंट करना शुरू करोगे, तो आपकी ये सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरह से अभी हम लोगों ने की है वैसी हो तो बेटर है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया, जिसके थ्रू आप सेटिंग्स और यूज़र का जो पावरफुल रोल है वो आप देख सके। लेकिन दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है, समझने में कोई डिफिकल्टी है, तो जाइए कमेंट बॉक्स में पूछिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। साथ में नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने लव्ड वन को बता दीजिए वर्डप्रेस की सीरीज शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून।